आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चौहान। तो दोस्तों, जो कल फोन लॉन्च हुआ था वीवो का S1, अगर आप वो खरीदने जा रहे हैं या आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा वीवो S1 के बारे में जानने के लिए। इस वीडियो में आप देखेंगे वीवो S1 की अनबॉक्सिंग, उसका फिजिकल ओवरव्यू, क्विक स्पेसिफिकेशन और मुझे उस फ़ोन में क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वीवो S1 के बारे में आपके लिए इस वीडियो में। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं मैं ठीक अभी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पर अभी नए हैं, अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने काम की वीडियो, अपने फायदे की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें बॉक्स मिलेगा और इस बॉक्स को हम खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। हमें मिलती है कुछ ये पेपर्स मिलते हैं और मिलता है साथ में हमें एक सॉफ्ट केस जो ठीक ठाक है, और मिलता है हमें अपना हैंडसेट और साथ में मिलती है सिम इजेक्टर पिन और हमें मिलता है माइक्रो यूएसबी केबल और साथ में हमें मिलता है काफ़ी अच्छा एक चार्जर जो 18 वॉट का चार्जर जिसे ड्यूल इंजन फास्ट चार्जर कहा है इन्होंने। और साथ में हमें मिलता है ईयरफोन, वीवो की तरफ से ये ईयरफोन बॉक्स में हमें मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो हमें इस बॉक्स में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आपको साइड में मिलेगा पावर ऑन ऑफ का बटन, वॉल्यूम रॉकर और यहाँ पर आपको मिलेगी सिम ट्रे जिसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा, यानी आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके ठीक नीचे आपको मिल जाएगा गूगल असिस्टेंट के लिए एक डेडिकेटेड बटन जिसे आप दबाकर कभी भी गूगल से बात कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको मिलेगा 3.5 mm का ऑडियो जैक जो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है और साथ में मिलेगा हमारे प्राइमरी माइक और हमें मिलता है माइक्रो यूएसबी का पोर्ट और साथ में हमें मिलेगा स्पीकर का ग्रिल और ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। और बैक पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है, लेकिन ये दो जो इसके कलर निकाले इन्होंने स्काई ब्लू और इस डायमंड ब्लैक, ये दोनों बहुत ही अच्छे स्टाइलिश हैं। और आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, साथ में एलईडी फ्लैशलाइट मिलेगी और यहाँ पर वीवो लिखा हुआ है। फ्रंट में हमें मिलेगी सुपर अमोलेड स्क्रीन, सारी चीज़ें मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा डिटेल में। और यहाँ पर हमें मिलेगा फ्रंट का कैमरा और स्पीकर। तो दोस्तों, ये तो था इसका फिजिकल ओवरव्यू। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इसकी क्विक स्पेसिफिकेशन। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है वो 6.38 इंच का सुपर अमोलेड हेलो फुल व्यू फुल HD प्लस का इसका डिस्प्ले है। और इसका प्रोसेसर जो है वो हीलियो P65 ऑक्टा कोर 2 GHz का प्रोसेसर है जिसमें GPU मालिका G52 लगा हुआ है। कैमरा है जो फ्रंट का कैमरा है 32 MP का है, जो बैक में कैमरा है वो ट्रिपल कैमरा इन्होंने सेटअप दे रखा है। जो पहला प्राइमरी कैमरा है वो है 16 MP का जिसमें सोनी IMX का 499 का सेंसर लगा हुआ है जिसका अपर्चर है F1.7। दूसरा है 8 MP का, तीसरा है 2 MP का। जो इसकी बैटरी है वो 4500 mAh की बहुत बड़ी बैटरी है। साथ में हमें मिलता है 18 वाट का ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग का इसको सपोर्ट मिलता है और हमें मिलता है 18 वाट का चार्जर। हमें यहाँ पर मिलता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट जिसे हम एक्सपांड कर सकते हैं 256 GB तक। हमें रैम और रोम की जो बात करें तो 4 और 6 GB की इसकी रैम रहेगी और 64 और 128 की इसकी रोम रहेगी। जहाँ तक इसके OS की बात करें तो इसमें फन टच OS 9 दे रखा है जो कि Android 9 पर आधारित है। और साथ साथ में हमें मिलता है फ्लैश इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और हमें मिलता है फेस अनलॉक। दोस्तों, यहाँ पर जो सार वैल्यू है देखिए कितनी अच्छी है, 0.75 जो हेड पर है और बॉडी पर है 0.33। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी सार वैल्यू है, मतलब बहुत ही लो है। तो दोस्तों, जहाँ तक इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमें 3 वेरियंट में मिलेगा, 4 GB 128 GB जिसकी प्राइस है 17,990 रुपये, 6 GB 64 GB जिसकी प्राइस है 18,990 रुपये और तीसरा है 6 GB 128 GB जिसकी प्राइस है 19,990 रुपये। तो ये लास्ट वाला जो है ये थोड़े सितंबर तक मिलेगा हमें।
तो दोस्तों चलिए अब मैं बताता हूँ कि मुझे इस फ़ोन में क्या अच्छा लगा। तो दोस्तों जैसे कि इन्होंने कहा है कि हमने इसे S1 मतलब स्टाइल आइकन बना रखा है, इस फ़ोन को स्टाइलाइज कर रखा है। तो आपको ये जब आप इसे पकड़ेंगे तो आप फ्लॉन्ट करेंगे और अपनी स्टाइल मारेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। तो मुझे जो चीज़ इसमें अच्छी लगी उनके कहने के हिसाब से तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए मुझे ये अच्छा लगा है कि लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिखता है ये। इसके जो दोनों कलर दे रखे हैं स्काई ब्लू और डायमंड ब्लैक, ये बहुत ही अच्छा दिखता है दोनों। तो सच में ये स्टाइल में काफ़ी अच्छे हैं। और जो इसका ट्रिपल रियर कैमरा है, मुझे ट्रिपल कैमरा सेटअप काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि हम इसमें एक तो डेप्थ का भी मिल जाता है और मेन कैमरा जो उसका सेंसर अच्छा मिल जाता है, साथ में हमें वाइड एंगल भी मिलता है। उसके बाद इसमें सुपर अमोलेड की स्क्रीन दे रखा है जिसमें हमें ऑलवेज ऑन का एक फीचर मिलता है जो काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप जो जब स्क्रीन ऑन करके रख सकते हैं और काफ़ी सारे इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं और आप इसमें नोटिफिकेशन और टाइम भी देख सकते हैं कभी भी। और सुपर अमोलेड और ऑलवेज ऑन के फीचर होने की वजह से बैटरी काफ़ी लो है इसकी कंजम्पशन। जहाँ तक हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इसमें मीडियाटेक का हेलियो P65 दे रखा है। आप बोलेंगे कि मीडियाटेक का प्रोसेसर, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जो P65 है ये काफ़ी फास्ट है और ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं P70 से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें जो इसका अंदर आर्किटेक्चर दे रखा है वो इसका कॉर्टेक्स का जो A75 और A55 का दो कोर दे रखे हैं और 70 में से थोड़ा कम के कोर दे रखे हैं। तो ये P65 P70 से थोड़ा पावरफुल है। इसमें दोस्तों ट्रिपल कार्ड स्लॉट दे रखा है तो आप दो सिम आराम से लगा सकते हैं, कोई सी 4G वोल्टी का सपोर्ट है इसमें और इसमें डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है तो आप इसको 256 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगली बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि इसमें बॉक्स में आपको ईयरफोन मिलता है, तो ईयरफोन मिलना काफ़ी अच्छी बात होती है, जो आपको वीवो का ही ईयरफोन मिलेगा। साथ में हमें ड्यूअल इंजन फास्ट चार्जर मिलता है, जो 18 वाट का चार्जर हमें बॉक्स में मिलता है और साथ में हमें बिग बैटरी 4500 mAh की बैटरी में मिल जाती है, तो मुझे ये पावर इसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा लगा। साथ में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक मिलता है और हमें मिलता है डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन जो है वो मिल जाता है। और दोस्तों जो मुझे आखिरी बात अच्छी लगी वो ये अच्छी लगी कि इसमें जो ग्लास का प्रोटेक्शन दे रखा है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें स्कॉट जेंसन का जो 3D ग्लास दे रखा है वो गोरिल्ला ग्लास 5 से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देखिए यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 का जो टफ जो स्ट्रेंथ है वो 638 है और स्कॉट की है 690, तो ये गोरिल्ला ग्लास 5 से कहीं ज़्यादा मजबूत है। अब मैं बताता हूँ कि मुझे इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, अगर ये थोड़ा इम्प्रूव कर देते तो स्टाइलिश के साथ साथ काफ़ी अच्छा फ़ोन बन जाता है ये। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे जो बात इसमें अच्छी लगी कि इसमें कोई LED लाइट मुझे नोटिफिकेशन दिखा नहीं, तो स्टाइलिश का मतलब क्या हो आपको जब नोटिफिकेशन ठीक से देख ही नहीं पाए। तो दोस्तों मुझे इसमें USB टाइप सी का पोर्ट और केबल मिसिंग लगी, तो आप जब स्टाइल करना ही चाहते हैं तो पुराने स्टाइल क्यों मार रहे हैं, नई स्टाइल कीजिए। साथ में मैंने इसमें देखा है कि फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि फास्ट होना चाहिए था। जब आप इसे ऑन करते हैं तो स्क्रीन जो इसका वॉलपेपर दिखने लग जाता है, तो ये थोड़ा सा मुझे लेगीनेस लगी इसमें। और दोस्तों जब आपने स्टाइल कहा ही है तो इसमें नॉच हटा देते, एक पॉपअप कैमरा दे देते, लेटेस्ट स्टाइल नहीं। और जहाँ तक इसके 32 MP का सेल्फी कैमरा है तो उसमें कोई सेंसर का मुझे नामोनिशान कुछ समझ में नहीं आया कि इसका सेंसर आखिर क्या हो सकता है। तो इसका एपर्चर भी काफ़ी बड़ा है तो स्टाइल तो। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों मुझे वीवो तो हमेशा से ऐसा लग रहा था कि वीवो अभी सुधर रहा है, लेकिन फिर से वीवो ने मुझे ऐसा लग रहा है इसके जो 4 GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस मेरे हिसाब से 15,999 या 16,000 या 16,500 तक होती तो ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन बन सकता था। तो दोस्तों फाइनल मेरा ओपिनियन ये है कि थोड़ा सा हमसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, लगभग 1 या 2 हज़ार रुपये हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है और उसकी वजह से ये फ़ोन थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें तक नहीं है, लेकिन ये फ़ोन स्टाइलिश होने की वजह से काफ़ी अच्छा दिखता भी है। तो जो इसके लुक के हिसाब से, जो इसके पावर के हिसाब से और जो इसकी कैमरे के हिसाब से अगर फ़ोन लेना चाहता है तो ले सकता है, थोड़ा सा अगर रुक जाए तो थोड़ा इसका डिस्काउंट अगर मिल जाए तो बेस्ट है ये फ़ोन। तो दोस्तों ये तो था वीडियो वीवो S1 का जो कल फ़ोन लॉन्च हुआ, जो इन्होंने S सीरीज़ मतलब स्टाइल वाली सीरीज़ जो लॉन्च की है
उसके बारे में अनबॉक्सिंग और दूसरी बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और अगर उनको ख़रीदना है तो समझ सकें कि ख़रीदना है कि नहीं। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं आपके लिए आपके काम की वीडियो, आपके फ़ायदे की वीडियो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता ही रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा व्यूज़ को बढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश कर लें मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं आपके लिए आगे वीडियो और लाता रहूँगा। मेरे अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ।